नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। रेलवे में नौकरी करने वाले इच्छुक उम्मीदवार के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने 10वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न श्रेणी के करीब 1000 पदों पर भर्ती निकाली है। जानकारी के अनुसार असिस्टेंट लोको पायलट के 820, टेक्नीशियन के 132 व जूनियर इंजीनियर के 64 पदों पर भर्ती की जाएगी। संबंधित ट्रेड में आईटीआई के साथ 50% अंकों से 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी साउथ रेलवे की साइट पर 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बूंदी जिले के नैनवा थाना इलाके में जमीनी विवाद के चलते देवर भाभी को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी, जिससे भाभी की मौत हो गई, जबकि देवर गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले में 16 जनों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि पाई गांव में ट्रैक्टर से महिला को टक्कर मारने की सूचना मिली थी। घटना में 35 वर्षीय संजू मीना, पत्नी प्रहलाद और उसके देवर मनीष मीना पर विरोधी पक्ष ने मेड बंदी पर काम करते समय हमला किया था। घायल मनीष मीना ने रिपोर्ट दी है कि उनकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने की नीयत से उन पर हमला किया गया, जिसमें लक्ष्मीपुरा गांव के शोपाल, जोधराज, डिप्टी मीना, सुमित्रा, गीताराम सहित 16 लोग शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में मार्बल उद्यमी से धोखाधड़ी कर 29 लाख हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी पंजाब का व्यापारी है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने 32 लाख का मार्बल खरीद कर केवल 3 लाख दिए। आरोपी की ओर से दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। मदनगंज थाने में मदनगंज किशनगढ़ निवासी 41 वर्षीय मुकेश यादव ने रिपोर्ट दी कि कपूरथला पंजाब के बाबा मार्बल्स के मालिक बलवीर सिंह से व्यापारिक संबंध रहे थे। ऐसे में उसे 32 लाख का मार्बल पत्थर उधार बेचा। पत्थर मार्बल एरिया किशनगढ़, फिरोजपुर और लुधियाना से खरीदा, जिसके लिए 3 लाख रुपये दे दिए, लेकिन 29 लाख बकाया थे। मार्बल उद्यमी ने इसके लिए 15 चेक अलग अलग तारीखों को दिए गए। चेक बाउंस हो गए तो बलवीर सिंह से बात की, लेकिन वह लगातार टाल मटोल करता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी समकक्ष सैद्धांतिक सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 गुरुवार 3 अगस्त से प्रारंभ होंगी। यह परीक्षाएं 5 अगस्त को समाप्त होगी। पूरक प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक एडमिट कार्ड सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल पर मुख्य परीक्षा का नामांक दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पूरक सैद्धांतिक परीक्षा 2023 के सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि वर्ष 2023 की पूरक परीक्षाओं के लिए कुल 56,131 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक 31,266 सेकेंडरी पूरक परीक्षा के हैं। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता नाबालिग बकरियां चराने गई थी, तभी आरोपी नाबालिग उसे भगा कर ले गया। थानाधिकारी हेमंत चौहान ने बताया कि 14 जुलाई को महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 7 जुलाई को वह और उसका पति डूंगरपुर हॉस्पिटल गए थे। उसके नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी और वह बकरियां चराने गई थी। नाबालिग बेटी शाम तक वापस घर नहीं लौटी। इस पर परिजनों ने बाबूलाल रौत निवासी मांडवा खपरडा पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का शक जताया था। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को गुजरात के बनासकांठा दियोदर गांव से डिटेन कर बाबूलाल मीना को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के बहुचर्चित कुलदीप झगीना हत्याकांड के मामले में जयपुर और भरतपुर के 11 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच के आईजी प्रफुल्ल कुमार ने की थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर 11 पुलिस कर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोपों के चलते निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, उनमें पुलिस लाइन के वे 7 चलानी गार्ड और भरतपुर के 4 पुलिस कर्मी शामिल हैं, जो रोडवेज बस को एस्कॉर्ट कर रहे थे। भरतपुर एसपी मृदुल कछवाहा ने एएसआई हरिंदर सिंह, कांस्टेबल सत्यवीर सिंह, चंद्रपाल और जगबीर सिंह को निलंबित किया है, जबकि जयपुर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी कर हेड कांस्टेबल शंकर लाल, कांस्टेबल नेमी चंद, जितेंद्र, रोहित, सुरेंद्र, महेंद्र और सुरेंद्र को निलंबित किया है।
बाड़मेर जिले के पालूतरा के श्री वीर दुर्गादास कृषि उपज मंडी में 7 लाख रुपयों से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों और मंडी में घूम रहे एक अन्य बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित व्यापारी हंसराज प्रजापत ने बताया कि श्री वीर दुर्गादास कृषि उपज मंडी में उसकी दुकान है। रोजाना की तरह वह रोजाना के लेन देन के लिए अपने साथ 7 लाख रुपए भरकर बैग लाया था, साथ ही उसमें दुकान की चाबियां भी थी। दुकान पर जाने से पहले रोजाना कृषि उपज मंडी में बने बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए रुका और मंदिर में दर्शनों के लिए चला गया। जब मैं मंदिर से बाहर आया तो गाड़ी पर उसका बैग नहीं था। सीसीटीवी कैमरे में 3 चोर बाइक पर बैग लेकर जाते हुए दिखाई दिए। व्यापारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर सीसीटीवी देखे और जांच शुरू की। राजधानी जयपुर में हेल्थ प्रोडक्ट्स व एग्रो इक्विपमेंट के कार्य करने वाली कंपनी के कर्मचारियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर चेकबुक से 8 करोड़ रुपए दूसरे बैंक खातों में डालने के मामले में शिप्रापथ थाना पुलिस ने चेकबुक व अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी अभिषेक खंडेलवाल व उसकी पत्नी नाजिया बानो को गिरफ्तार किया था। अभिषेक पुलिस रिमांड पर चल रहा है। एसआई दिनेश कुमार ने बताया कि अभिषेक को छोटवाड़ा उसके किराए के निवास पर लेकर गए, जहां से उसे अन्य दस्तावेजों के अलावा चेकबुक बरामद की गई है। अब तक अभिषेक के करदनी में जमीन और 22 लाख रुपए की कार खरीदने का पता चला है। वह 6 माह कश्मीर, हिमाचल, गोवा व मुंबई सहित देश के अन्य इलाकों में घूमने गया। उन्होंने बताया कि मामले में कंपनी में अकाउंटेंट का कार्य करने वाले अमन खंडेलवाल व श्रवण शर्मा सहित एक अन्य महिला कर्मचारी की तलाश की जा रही है। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत ग्राम मोतीपुरा में रात्रि को अज्ञात चोर 3 मकानों के ताले और खिड़कियां तोड़कर लाखों रुपए के जेवर व नकदी चुरा कर ले गए। पीड़ित मोतीपुरा निवासी नाथू सिंह यादव ने सदर थाने में रिपोर्ट दी कि रात्रि को अज्ञात चोर उसके मकान का ताला तोड़कर 1 जोड़ी चांदी की पैजेब, 1 सोने का मांदलिया और करीब 8 से 10 हजार रुपए नकद चुरा कर ले गए। अज्ञात चोर गांव के ही जयकिशन यादव के मकान से 1 सोने का मांदलिया, 4 जोड़ी पैजेब, 1 कनकत्ती, 1 पायल जोड़ी, हाथ की चूड़ी और 80 हजार रुपए नकद चुरा कर ले गए। इसी प्रकार गांव के मुकेश यादव के घर से चोर खिड़की तोड़कर 35 हजार रुपए नकद चुरा ले गए। एक साथ 3 मकानों में चोरी होने की वारदात का पता लगने पर गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। सीकर जिले में ट्रेलर ने 2 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसमें 1 मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। खंबीर हालत में हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से जयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना हर्ष तिराहे के पास हुई। एसआई राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेलर लोसल की तरफ से आ रहा था, जिसने पैदल चल रहे 2 मजदूरों 20 वर्षीय शिवा और 30 वर्षीय वीरू निवासी मध्य प्रदेश को टक्कर मार दी। घटना में शिवा की मौत हो गई, वीरू को गंभीर हालत में इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद ट्रेलर को थाने लाया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।